हाय गाइस, किसी चीज़ को सहने की ना जो क्षमता होती है इंसान पे वो भी एक लेवल तक होती है। इस लेवल को भी पार कर चुकी, मतलब मैं क्या क्या, मतलब मुझसे मेरे गाली ना निकल जाए ऐसी लग रही है। जो अपडेट जो निकल के आई है, मुझे पता होगा आप लोगों को, मैंने बताया था, पोस्ट डाल दिया था अपने यूट्यूब कम्युनिटी में कि जो फिल्म है अलावा कंटेम्प्रोरी ऑफिशियल अब कैंसल्ड हो चुकी है। भाई मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मुझे बॉलीवुड को, मतलब क्या। पहली बात तो ख्याल उनको जो ओरिजिनल कंटेंट है वो तो उन्हें बनाने आती नहीं, उसके बाद में मतलब ये क्या लगे, मतलब हम उस मूवी को ओरिजिनल कंटेंट को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमें उसको रिमेक दिखाया जा रहा है। और मतलब क्या आप लोगों ने कास्ट भी किसे किया है, वो हमारे कार्तिक आर्यन और जो मतलब की कीर्ति सरन, अरे कार्तिक आर्यन सर कहाँ और जो अल्लू अर्जुन सर है वो कहाँ यार, किसी को मैच, मतलब कहीं पर लेवल भी मैच नहीं होता। वो एक्टिंग में उनके बाप है, बाप नहीं मतलब कि वो दादा परदादा क्या ना क्या होंगे यार। ये कार्तिक आर्यन जिन्होंने काम कर रहे हैं और ये क्या हो रही है यार बॉलीवुड के साथ में। इसीलिए मैं हमेशा आपसे जितने भी हो गए वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें बॉलीवुड नहीं रीमेक वुड कहता हूँ। मतलब कि क्या यार हरकतों से ये बाज नहीं आते, मतलब ना पॉलिटिक्स तो एक समय पर हमारे जो भारत पे चल रही थी वो तो चल ही रही थी, अब मतलब कि बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में भी ये चल रहा है, पैसे की वजह से हर फिल्म ओरिजिनल कंटेंट को दबाया जा रहा है। अब तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा जो रंगस्थलम जो अभी नेक्स्ट फिल्म, आप लोगों को अगर नहीं देखी होगी फिल्म अभी जाकर सब टाइटल पर देख लीजिएगा, अगर इसकी हिंदी में अगर रीमेक इसकी जो हम लोग को सुनने आ रही है कि अपडेट की इसकी जो हिंदी डब आने वाली है अगर ये कहीं दब गई ना तो मतलब ना इस इंडस्ट्री से पूरा भरोसा ही उड़ जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है यार, मतलब कि एक कुछ अलग ही चल रहा है इन लोगों। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि जो मनीष शाह से मिलने गए हैं अल्लू अर्जुन के जो फादर है अरविंद अर्जुन, उन्होंने जाके क्योंकि वो शहजादा मूवी जो रीमेक बनी अलावा कंटेम्प्रोरी की, इसकी रीमेक में वो को प्रोड्यूसर के बीच में हैं भूषण कुमार के साथ में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को रिलीज करने से मतलब कि कतरा रहे थे और उन्होंने जाके मनीष शाह से वो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ की कि इस फिल्म को अभी रिलीज ना की जाए। अरे मतलब यार कुछ तो यार, मतलब कि क्या मैं क्या कहूँ मैं बॉलीवुड से, मतलब एकदम मैं हराश, मतलब कुछ कहना ही नहीं चाहता मैं इस टॉपिक पर, मुझे ऐसा लग रहा है फील। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ, मतलब इसी के साथ मेरे चैनल पर बने जरूर रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों।